भारतीय रेल में विभिन्न पदों को सभी तीन श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदन की सूची आखिर में इनको जारी करना ही पड़ा। विभिन्न पदों पर सभी भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, लगातार हमारे प्रोटेस्ट से जो है सरकार को झुकनी पड़ी, और लास्ट में जो एसएससी एंड रेलवे का जो ट्रेंड चल रहा था, हैशटैग में भी बेरोजगार ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड थे इसके, तो कहा जाए एक तरफ से हमारी जीत है, क्योंकि एसएससी की जो वैकेंसी पेंडिंग पड़ी थी उसका रिजल्ट जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया। और रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी का जो और काफ़ी दिनों से एग्जामिनेशंस के डेट नहीं डिक्लेयर किए जा रहे थे, तो वो भी आखिर में सरकार को जो है उसका डेट जो इंडियन रेलवेज की तरफ से पब्लिश करना पड़ा। तो फ्रेंड्स आइए तो कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं इसके कुछ जानकारियाँ। तो इंडियन रेलवेज इज गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड वैकेंसी फॉर 15 दिसंबर 2020। इंडियन रेलवेज हैज़ नोटिफाइड थ्री टाइप ऑफ वैकेंसी। देयर वेयर 35,208 फॉर एनटीपीसी, जो नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी लाइक गुड्स गार्ड्स ऑफिस क्लर्क एंड कॉमर्शियल क्लर्क होते हैं। उसके बाद 1663 जो होते हैं वो आइसोलेट एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, जिसमें स्टेनो एंड टीचर्स एक्सेप्ट आ जाए। उसके बाद 1,03,769 फॉर लेवल 1 वैकेंसी, जिसमें ट्रैक मेंटेनेंस पोस्टमैन एक्सेप्ट आ जाए। इन आरआरबी जो हैड नोटिफाइड ए टोटल ऑफ 1.40 लाख सच एज वैकेंसी, जिसमें एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के वैकेंसी आती है। तो ये अभी एक ऑफिशियल नोटिस के थ्रू भी बताया गया, और इसका जो है और डेट जो है बताया गया है वो 15 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने हैं सीबीटी के, और जिसमें 2.40 लाख करोड़ अप्लीकेशंस जो है अप्लीकेशन रिसीव किए गए, ये भी बताया गया है इनके तरफ से। तो फ्रेंड्स आइए रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक वीडियो देखते हैं और इनके ही तरफ से जान लेते हैं इन्होंने क्या कहा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है ये। आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, as you know that we had invited some applications for recruitment in various categories, and we had notified around 1,40,640 posts. The vacancies which were notified, it was notified pre-COVID, 1,40,640 vacancies, and basically there were three types of vacancies. One was non-technical popular categories, another was isolated and ministerial categories, and another was level one, that is track maintainers, pointsmen, and various level one employees. So we had invited applications for these three categories, and for 1,40,640 vacancies, we received 2 crore 42 lakh applications we received for 1,40,640 vacancies. And scrutiny of all these 2.42 crore applications was completed. And then due to COVID, we could not conduct this exam, because for all these vacancies, a computer-based test is to be conducted. Now, considering the COVID situation, and also considering that NEET and JEE exam is going on smoothly, Railway has decided that we will start exams for all these three category of vacancies from 15th of December. From 15th of December, Railway is going to start conducting the computer-based test, and a detailed schedule will be announced very soon. We have completed the scrutiny of all these applications, and schedule will be announced very soon.